यह नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप। पिछले 3 दशकों से यह टेलीस्कोप यूनिवर्स की कई चौंकाने वाली तस्वीरें लेता है। अब टेलीस्कोप सेफ मोड में चला गया है, यानी कि इसमें कोई खराबी आ गई है और ये बंद हो गया है। अब वैज्ञानिक इसे ठीक करने में जुटे हुए हैं। हेलो, मैं हूँ भावना और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। अगर आप भी स्पेस साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप भी जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर वैज्ञानिक इस तरह के स्पेस टेलीस्कोप को ठीक कैसे करते हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि स्पेस टेलीस्कोप को रिपेयर कैसे किया जाता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप नासा के अनोखे आविष्कारों में एक है। अंतरिक्ष में हबल स्पेस टेलीस्कोप को 1990 में स्थापित किया गया था। इसके बाद से ही कितनी बार इसमें खराबी आई है, लेकिन हाल ही में हबल 1 महीने में 3 बार रुका है और ये अभी भी बंद है। इस बार हबल में जो खराबी आई है उसकी वजह है हबल में लगा हुआ जायरोस्कोप। जायरोस्कोप हबल के घूमने की दर को मापता है और उस सिस्टम का पार्ट होता है जो टेलीस्कोप की दिशा को तय करते हैं। नासा ने 2009 में हबल स्पेस टेलीस्कोप में 9 नए जायरोस्कोप को इंस्टॉल किया था। आज उनकी संख्या केवल 3 ही रह गई है। हबल स्पेस टेलीस्कोप में बचे हुए इन्हीं 3 जायरोस्कोप में से एक में खराबी आई है, जिससे टेलीस्कोप खुद सेफ मोड में चला गया है और 23 नवंबर से हबल ने काम करना बंद कर दिया है। अब वैज्ञानिकों की टीम जायरोस्कोप में आई हुई तकनीकी खराबी की जाँच कर रही है और उसका सोल्यूशन निकालने का काम कर रही है। यहाँ टीम की ओर से ये भी कहा गया है कि अगर जरूरी हुआ तो हबल को सिर्फ एक ही जायरोस्कोप के जरिए भी चलाया जा सकता है, हालांकि इसके लिए स्पेसक्राफ्ट को दोबारा से कॉन्फिगर किया जाएगा। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बता दे कि इस साल नासा हबल की एक अनोखी 30वीं सालगिरह मना रहा है। ये सालगिरह है SM-1 यानी की हबल सर्विंग मिशन 1 की। 30 सालों पहले जब पहली बार हबल में खराबी आई थी तो रिपेयरिंग के लिए एक नया मिशन हबल सर्विंग मिशन 1 लॉन्च किया गया था, जिसका लक्ष्य हबल में आई हुई खराबी को ठीक करना था। और सबसे आखिर में साल 2009 में 5वां और फाइनल स्पेस शटल सर्विंग मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि सक्सेसफुल रहा। और इसी मिशन में हबल स्पेस टेलीस्कोप में 9 नए जायरोस्कोप को इंस्टॉल किया गया था। स्पेस टेलीस्कोप की रिपेयरिंग की बात करें तो जब टेलीस्कोप के सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को टेलीस्कोप को कंट्रोल कर रहे कंप्यूटर के जरिए ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब भी टेलीस्कोप के हार्डवेयर में दिक्कत आती है तो इसके लिए सर्विंग मिशन को लॉन्च किया जाता है और रिपेयरिंग का पूरा काम स्पेस में जाकर स्पेसक्राफ्ट पर किया जाता है। इस मिशन में स्पेस इंजीनियर टेलीस्कोप के स्पेसक्राफ्ट पर जाते हैं और उसमें आई हुई खराबी को रिपेयर करते हैं। जैसा कि हमने बताया, 30 साल पहले यानी कि 2 दिसंबर 1993 को सबसे पहली बार सर्विंग मिशन को लॉन्च किया गया था। SM-1 इतिहास के सबसे मुश्किल मिशन में एक था। इस मिशन में 7 एस्ट्रोनॉट्स का क्रू गया था और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही 7 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर पहली बार हबल स्पेस टेलीस्कोप को रिपेयर किया था। तस्वीर में मिशन के एक्सपर्ट स्विस वैज्ञानिक क्लाउड निकोलियर, पायलट केनेथ डी, मिशन कमांडर रिचर्ड ओ कोवे, पिछली पंक्ति में अंतरिक्ष यात्री एफ स्टोरी मसग्रेव, जेफरी ए हॉफमैन, कैथरीन डी थॉर्टन और थॉमस डी एकर्स हैं। अंतरिक्ष यात्रियों ने कुल 35 घंटे से ज्यादा वक्त तक स्पेस में रहकर इस मिशन को पूरा किया था। इसी तरह से अब तक नासा हबल के लिए 5 सर्विंग मिशन SM-1, SM-2, SM-3A, SM-3B और SM-4 लॉन्च कर चुका है। तो इस तरह से स्पेस टेलीस्कोप को रिपेयर किया जाता है। हबल टेलीस्कोप से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प जानकारियों के लिए जुड़े रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।